तो गाइस आप लोग बहुत सारे बंदे सोचते हो कि गाइस यार देखो हमारे गेम के अंदर जो पेमेंट मेथड अवेलेबल है इस जीमेल को आप लोग कैसे चेंज करोगे। मैं इस वीडियो पे लाइव प्रूव एंड 100% गाइस मैं इसके बाद डिटेल से आप लोगों को कंपेयर करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस देखो हमारे जो जीमेल अकाउंट होता है मतलब प्ले स्टोर अकाउंट होता है, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ हमारे जो गेम के अंदर जब ऐसे कुछ होगा ऑलरेडी मेरे पास 75% एक क्रेडिट का अवेलेबल ऑफर भी यहाँ पर चल रहा है, मतलब गाइस डिस्काउंट प्ले स्टोर का। अब जितने रुपए के टॉप अप करोगे उसके अंदर से भाई 75 रुपीज माइनस हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हो, तो इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले मैं पेमेंट मेथड पे जो जीमेल है मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ओके गाइस, तो देखो ये कुछ पेमेंट मेथड अवेलेबल है और ये एक जीमेल है, आपको कुछ नहीं करना। चलिए दोस्तों मेरे को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो आपके फोन के अंदर चले जाना पड़ेगा। इसके बाद गाइस देखो प्ले स्टोर को भाई ऐप इनके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर क्लियर कैच का जो ऑप्शन मिलेगा इसको तीन बार गिन गिन के तीन बार करना पड़ेगा। गाइस मैं जो जो बता रहा हूँ गाइस वीडियो को जो स्किप करेगा वो नहीं कर पाएगा, उसका जीमेल अकाउंट डिलीट हो जाएगा। गाइस प्लीज़ वीडियो को फूल देखो और ध्यान से समझो। गाइस देखो यहाँ पर देखो प्ले स्टोर दिख ला। ओके तो गाइस देखो प्ले स्टोर को सबसे पहले गाइस आप लोगों को ओपन कर लेना पड़ेगा। मेरा थोड़ी सी नेट का स्लो चल रहा है, कोई भी बात नहीं है, वाईफाई का एक टावर है मेरे पास। ओके तो गाइस देखो इसके बाद गाइस देखो हमारा जो ईमेल का ऊपर मतलब प्ले स्टोर का ईमेल के ऊपर गाइस यहां पर देख सकते हो मेरे पास तीन जीमेल अकाउंट है। ओके तो गाइस यहां पर देखो सबसे पहले वाला जीमेल अकाउंट में रिमूव करना चाहता हूं और नीचे वाला जीमेल अकाउंट में ऐड करना चाहता हूं। तो गाइस आप लोग यही सोचते हो ना कैसे करोगे, मैं सब कुछ बताता हूं। गाइस देखो यहां पर इसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले देखियो यहां पर सबसे पहले जो जीमेल अकाउंट आपका है मतलब जिस जीमेल पर अभी तक एक्टिव है उसको सबसे पहले गो टू गूगल अकाउंट के ऊपर सिंपली से क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पर जो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन मिलेगा, ये डाटा प्राइवेसी है, सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन मिलेगा ना गाइस, सिक्योरिटी वाला ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद गाइस यहाँ पर सिंपली से गाइस आप लोग लास्ट टाइम पासवर्ड खोजना, मतलब सर्च करके गाइस आप लोग खोज लेना लास्ट टाइम पासवर्ड आप लोग कब चेंज किया था गाइस आपका जो मेन अकाउंट अभी तक लॉग इन है। तो ये देखो ये लॉगिन मतलब ये अकाउंट आप लोगों को ज़रूरत पड़ना पड़ेगा गाइस, इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको भाई यहाँ पर स्क्रीनशॉट एक रख लो गाइस। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना जो जीमेल आप लोग यहाँ पर जो आप लोगों का इस जीमेल को चेंज करने की मेथड होगा। तो गाइस देखो स्क्रीनशॉट तो गाइस आप लोग लो चुके हो, मतलब यार बजट एंड हिस्ट्री के ऊपर जाने के बाद गाइस आप लोग सिंपली सी जिस जीमेल है गाइस आप लोग टॉपअप वगैरह करते हो वहाँ पर मैं भी करता हूँ गाइस। यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट वगैरह ओपन हो चुका है गाइस, यहाँ पर फाइनली करके तो गाइस आप लोग देख रहे हो। बट गाइस देखो उसके बाद पेमेंट मेथड पे जाके गाइस यहाँ पर सिंपली से गाइस आप लोग देख लो आपके गूगल प्ले बैलेंस पर कोई भी बैलेंस अवेलेबल है कि नहीं, मतलब जो रिडीम कोड सेक्शन का बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर तो मेरे पास कोई भी कुछ भी अवेलेबल बैलेंस नहीं है। बट गाइस देखो इसके बाद आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है, इसके बाद सिंपली से बैक आना पड़ेगा। बैक आने के बाद गाइस आपका जो रियल जीमेल अकाउंट है मतलब आप लोग एक्सचेंज करना चाहते हो जिस भी जीमेल अकाउंट को वहाँ पर गाइस पर देख सकते हो, सिंपली से उसके ऊपर जाके गाइस मैनेज टू योर गूगल अकाउंट के ऊपर सबसे पहले क्लिक करोगे। बट गाइस देखो सबसे पहली बात आप लोग बजट पे जाके एक बार देख लेना यहाँ पर आप लोग कोई भी टॉपअप इस जीमेल से किया हो कि नहीं, ये बहुत ही मैटर फंडा है गाइस, आप लोग को बजट एंड हिस्ट्री में जाके ये चेक करना ही पड़ेगा। और गाइस पेमेंट एंड मेथड पर गाइस देख लो यहाँ पर तो मेरे पास कोई भी गूगल प्ले अवेलेबल बैलेंस नहीं है आपके पास, मैं दिखा रहा हूँ। बट गाइस देखो यहाँ पर जो पेमेंट मेथड पे कोई भी अवेलेबल बैलेंस नहीं है। ओके तो गाइस यहाँ पर देखो सिंपली से गाइस मैनेज टू योर गूगल अकाउंट के ऊपर सिंपली से क्लिक करोगे वही मेथड जो जीमेल आप लोग रियल जीमेल पे किए थे गाइस यहाँ पर भी करना पड़ेगा। सिक्योरिटी आपको समझ जाने के बाद गाइस आपको लास्ट टाइम पासवर्ड गाइस उस स्वाइप अप करना पड़ेगा। ओके तो गाइस स्वाइप अप करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड दिख चुका है मेरे को। ओके तो गाइस लेट सी। ओके ओके यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। इसके बाद वही मेथड मतलब गाइस आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा, ये जो जीमेल अकाउंट है गाइस इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना पड़ेगा क्योंकि बाद में ये स्क्रीनशॉट काम पे आने वाला है गाइस। तो गाइस देखो सिंपली से गाइस यहाँ पर से आप लोगों को कुछ नहीं करना, जीमेल को जाने के बाद गाइस यहाँ पर मैनेज अकाउंट ऑन योर डिवाइस के ऊपर सिंपली से आपको टैप करना पड़ेगा। सबसे पहले जो जीमेल आप लोग को चेंज करना मतलब रखना चाहते हो वो जीमेल गाइस सबसे पहले सिलेक्ट करके रखो, नहीं तो भाई कुछ छेड़छाड़ी हो जाएगा आप नहीं समझ पाओगे। ओके तो गाइस जाने के बाद गाइस देखो यहाँ पर मेरे को गाइस तीन जीमेल है,
तीन जीमेल का ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी ओपन हो चुका है मेरा। गाइस यहाँ पर देख रहे हो मेरा वो जो तीन जीमेल है गाइस, सबसे पहले ऊपर वाला, 18 वाला और 12 वाला। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो। ओके तो गाइस इसको एक्सचेंज एंड रिमूव करने के लिए, मतलब एक्सचेंज करने के रिमूव करना पड़ेगा इसके बाद ना, रिमूव तो भाई बाद में होगा। गाइस सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये गूगल अकाउंट है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना। इसके बाद गाइस देखो सबसे पहले जो तीन एरो दिखाई देना ना गाइस, ऊपर देखो ऊपर सबसे पहले साइन अप करने लेना पड़ेगा। सबसे साइन अप नाउ के ऊपर क्लिक करोगे कुछ टाइम लेगा, लोडिंग लेगा गाइस, यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेना गाइस, यहाँ पर देख ही रहे हो। उसके बाद गाइस जो कैलेंडर वाला ऑप्शन और कॉन्टैक्ट वाला और ड्राइव वाला और जीमेल वाला, ये सभी का मतलब पर ऑप्शन आपको ऑफ कर देना पड़ेगा। जो जीमेल आप एक्टिव में मतलब अभी रखना चाहते हो और जिस जीमेल को गाइस आप लोग एक्सचेंज करना चाहते हो, सबसे पहले गाइस आप लोग साइन इन का ऑप्शन गाइस पर सबसे पहले ऑन कर दो, सब कुछ ऑन कर देना गाइस। ऑन करना मत भूलना, नहीं तो भाई चीज मतलब रिमूव होने के बाद भी आप लोग मतलब ढूंढ नहीं पाओगे गाइस मेरे वीडियो को, मतलब ध्यान से दो गाइस। इसके बाद देखो, इसके बाद रिमूव अकाउंट दिखा रहे गाइस। ये बार देखो ये तो मैं रखना चाहता हूँ गाइस, इसको नहीं रिमूव करके ये वाला अकाउंट गाइस, सबसे पहले आपको सिंपली सी रिमूव अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो गाइस देखो रिमूव अकाउंट आप लोग जब करोगे, रिमूव अकाउंट करने के बाद गाइस पहले वाला जीमेल तो चला जाएगा, मतलब डिलीट नहीं होगा गाइस। आप लोग ऐसे तो भाई बहुत सारे बंदे कमेंट करते हो भाई जीमेल चला जाएगा, डाटा चला जाएगा, ऐसे कोई भी बात नहीं गाइस, यहां पर डिलीट नहीं होगा। सबसे पहले आपके जो आप लोग एक्सचेंज करने के बाद गाइस, मतलब चेंज करने के बाद गाइस, जिस भी जीमेल है गाइस वहां पर सिंपली सी जाके गाइस, मतलब जिसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था गाइस, उसी स्क्रीनशॉट से गाइस सबसे पहले पासवर्ड एंड, तो गाइस आप लोग जीमेल का आईडी तो पता कर ही चुके होंगे। यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन हो चुका है क्योंकि मैं यहाँ पर पासवर्ड दे रहा था गाइस मेरा जो जीमेल अकाउंट का। ओके तो गाइस इसके अंदर से गाइस यहाँ पर देखो सिंपली से गाइस आप लोगों को जिस भी जीमेल को आप रिमूव किए हो टॉपअप करने के लिए, उस जीमेल का मतलब ईमेल आईडी यहाँ पर सिंपली से पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के बाद आप दोबारा फिर से लॉग इन कर पाओगे, मतलब गाइस एक बहुत ही जबरदस्त मैंने आपको बोला, मैं आपको फिर से एक बात पर क्लियर लिखा देता हूं गाइस। यहां पर दोबारा आप लोग जीमेल को मतलब लॉग इन करके फिर से वही वाला जीमेल गाइस आसानी से आप लोग चला सकते हो। तो गाइस देखो मैं यहां पर रिमूव नहीं किया, मैं फिर भी आप लोगों को गेम पे जाके दिखा दे रहा हूं गाइस। यहां पर मेरा यहां पर आईडी पर आ चुका हूं। उसके बाद गाइस देखो 4000 टॉप अप के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद गाइस देखो यहां पर यूपीआई आईडी पे यहां पर जब भी आए होगे यहां पर देख लेना, ऊपर में गाइस पेमेंट मेथड चेंज हो जाएगा। गाइस आज के वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगा प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए टेक केयर, बाय बाय।